हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ और फंक्शंस बता रही हूँ वर्लपूल वाइट मैजिक वॉशिंग मशीन के। वाइट मैजिक क्लासिक जो 6.5 किलो की वॉशिंग मशीन है, इसके पीछे पहले फंक्शंस में आपको बता चुकी हूँ, जो मैंने अपने चैनल का फर्स्ट और सेकंड वीडियो डाला था वो वॉशिंग मशीन से ही स्टार्ट किया था मैंने अपना चैनल। तो मैंने आपको इसके बहुत सारे ये सारे फंक्शंस इसके बताए थे कि कैसे हमें P1, P2, P3 ये सब हमें कब कब इस्तेमाल करने हैं। आज मैं आपको इसके अंदर एक वाटर रीयूज़ वाला जो फंक्शन है इसका, वाटर रीयूज़ इसको कैसे करेंगे ये मैं आपको इसमें बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, ये पावर बटन है, पावर हमने ऑन किया, मशीन ऑन हो जाती है और P1 सबसे पहले आ जाता है। पहला फंक्शन है इसका P1 का था, जिसमें मशीन सोक, वॉश, रिंस, ड्राई चारों काम कर रही थी। ठीक है, यानी अपने आप में ये कंप्लीट फंक्शन था जिसके अंदर हमारी चारों चीज़ें हो रही थी। ठीक है, P1 के अंदर। और यहाँ पे ये वाटर का लेवल भी दिखा रहा था, जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे तो वाटर लेवल ये जज करना शुरू कर देता है कि मशीन में आपके कितने कपड़े भरे हुए हैं, कितने परसेंट तक कपड़े भरे हुए हैं, और फिर उस हिसाब से आपको पानी बताता है कि वो लो लेगा, मीडियम लेगा, हाई लेगा। अभी जैसे मैंने इसमें आधे टब कपड़े भरे भर दिए हैं इसके अंदर, तो ये इसके अकॉर्डिंग टाइमिंग बताएगा कि आपने कितने कपड़े भरे हुए हैं। तो इसमें जो ये 6 सेंस है, ये अपने सेंस के अकॉर्डिंग ही वाटर के लेवल को भी दिखाता है और टाइमिंग भी उसके अंदर दिखाता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि पानी लेने का और निकालने का टाइम इसके अंदर वो यहाँ पर शो नहीं करता है, इसलिए एग्जैक्ट उतने टाइम के अंदर हमारा काम कंप्लीट नहीं होता। जैसे मानो यहाँ पर इसने 30 मिनट्स दिखाया है, तो जो ये पानी इसके अंदर मशीन के अंदर जो मशीन पानी लेगी और पानी को बाहर निकालेगी, वो वाला पानी का टाइमिंग इसके अंदर ये काउंट करके नहीं देता है। तो P1 करके हम स्टार्ट कर देंगे तो मशीन हमारी स्टार्ट हो जाएगी और फिर वो ये चारों ही फंक्शन कंप्लीट करने के बाद ऑफ होगी, यानी कपड़ों को सोप करना, वॉश करना, रिंस ड्राई सब करना। लेकिन क्या होता है, कई बार जो हमारी पुरानी लेडीज हैं वो क्या चाहती हैं कि जो इसका सर्फ का पानी है हमारे मशीन टब के अंदर, वो वेस्ट ना हो, बार बार वेस्ट ना हो पानी, क्योंकि हर बार हम इसमें पानी डालेंगे, हम लिक्विड सर्फ इसके अंदर डालेंगे, तब मशीन उस काम को करती है। अब कुछ लोग चाहते हैं कि वही सर्फ के पानी को हम रीयूज कर लें, मतलब उसी ही पानी को, उसी जो हमने सर्फ का पहले वॉश में पानी इस्तेमाल किया है वो बेकार ना जाए, हम उन कपड़ों को बाहर निकालें। जैसे एक सिंपल वॉशिंग मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं कि उसमें से हम कपड़े निकाल लेते हैं और दूसरे टब में हम सूखने के लिए, रिंस करने के लिए अलग उसको निकाल लेते हैं और फिर हम उसको ड्राई कर लेते हैं। तो ये फंक्शन भी इस वॉशिंग मशीन के अंदर हो सकता है वाटर रीयूज से। देखिए, अब मैं जैसे ही वाटर रीयूज को दबाती हूँ, ये मैंने P1 आ गया, ये मैंने वाटर रीयूज को दबाया, अब आप देखेंगे कि इसका रिंस और ड्राई दोनों बंद हो गया, यानी कि अब मशीन सिर्फ सोक करेगी और वॉश करके आपको कपड़े दे देगी, लेकिन वो रिंस भी नहीं करेगी, वो ड्राई भी नहीं करेगी, यानी कि इसका पानी जो है वो इसके अंदर ही रहेगा। ठीक, वॉश होने के बाद मशीन ऑफ हो गई। अब आप इसका ढक्कन खोलेंगे और जो इसके अंदर पानी होगा, सर्फ वाला पानी, उसमें से आप इन कपड़ों को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, पानी इसके अंदर आप छोड़ देंगे, आप और कपड़े डाल करके फिर उसी पानी में कपड़ों को दोबारा से धो सकते हैं। तो ये इसका वाटर रीयूज का फंक्शन है। देखिए, मैं आपको इसको करके भी दिखाती हूँ। जैसे मैंने वाटर रीयूज बटन दबा दिया P1 के साथ, अब मैंने इसको स्टार्ट किया। देखो, यहाँ पर वाटर लेवल ये जज करने लगा। इसके जो 6 सेंस है बहुत अच्छे हैं, अपने आप से मशीन फंक्शन करती है, ऑटोमेटिक होती है। सबसे पहले तो ये देखिए, कपड़ों को एडजस्ट करती है, अभी पानी नहीं ले रही है, पहले कपड़ों को एडजस्ट करेगी। आपने इसमें जिस भी तरीके से कपड़े डाल दिए हैं, उल्टे पुल्टे कहीं भी होते हैं, मशीन पहले उसे सेट करती है कपड़ों को। ये देखो, कपड़ों को इसने घुमाया, केवल खाली घुमा रहा है, अभी पानी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, पहले इसने सारे कपड़ों को ऐसे ही एक बार घुमाया, एडजस्ट कर दिए कपड़े। देखो, अब आप उस पोजीशन में कपड़े इसमें नहीं पड़े हुए हैं जैसे उल्टे पुल्टे पड़े हुए थे, अब एक साथ आराम से लगे हुए हैं, सेट हो करके लगे हुए हैं। अब पानी लेना इसने स्टार्ट किया, ठीक, और टाइम दिखाया मुझे 18 मिनट, क्योंकि एक तो आधे टब कपड़े हैं, फंक्शन भी आधा हो गया,
उसको सिर्फ स्लो को वॉश करना है, उसको रिंस और ड्राई करना ही नहीं है। तो 18 मिनट के अंदर ये हमारे इन कपड़ों को धो देगी। ठीक है, लिक्विड मैंने इसके अंदर डाल दिया था, यहाँ पे साइड में टब इसका एक बॉक्स बनाया, आप उसमें लिक्विड डाल सकते हैं, वरना लिक्विड आप ऐसे भी डाल दीजिए इसके ऊपर ही, कपड़ों के ऊपर, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए धोना शुरू कर दिया इसने। अब ये पूरे अपने 20 मिनट हमारे कम से कम लेगी, क्योंकि तो पानी लेने और निकालने का टाइम इसके अंदर नहीं आ रहा, 17 मिनट ये दिखा रहा है, तो कम से कम 20-22 मिनट मशीन लेगी। ठीक, देखिए पानी को लेगी और इसको धो देगी। अब 20 मिनट के बाद हम देखते हैं क्या होता है, और आपको ये और दिखा दूँ कि देखो वाटर लेवल लो दिखा रहा है, क्योंकि इसमें कपड़े कम है। ठीक है, तो ये मिनिमम है, मिनिमम पे दिखा रहा है, मिनिमम देखो आप, इसमें 12 मिनट है और ये अभी सोकिंग पर है। और आप देखो इसमें फंक्शन ऑफ हो चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको खोल के, देखो इसके अंदर पानी है। ठीक है, और सर्फ वाला ही पानी है इसके अंदर, इसके अंदर अभी सर्फ वाला पानी है। तो अब हम क्या करेंगे, इन कपड़ों को बाहर निकाल लेंगे, रिंस और ड्राई हम खुद कर लेंगे, और इसका जो पानी है इसमें हम और कपड़े धो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन यूज़ था वाटर रीयूज़ में। ठीक है, तो आप इसमें एक सिंपल वॉशिंग मशीन वाला भी काम कर सकते हो, जैसे कि इसी सर्फ के पानी में आप दोबारा और कपड़े धो सकते हो, तो ये इसका यूज़ था। ठीक, तो मैं इसको खाली करके फिर आगे का आपको बताती हूँ। अब जैसे मान लो कि मैंने रीयूज़ कर लिया पानी को, ठीक, कपड़े निकालने के बाद मैंने और कपड़े डाल के इसमें धो दिए, अब मुझे चाहिए कि अब जो कपड़े मैंने धोए हैं, अब मुझे ये पानी नहीं चाहिए कि ये रिंस भी हो जाए और ये ड्राई भी हो जाए, तो अब मुझे क्या करना है, पावर ऑन किया, ठीक, और ये रिंस एंड ड्राई ऑप्शन इसमें दिया है, रिंस एंड ड्राई P6, तो मैं अब इस पर P6 चला दूँगी। ठीक है, जैसे आपने एक टब कपड़े धो लिए, ये वाले कपड़े निकाल लिए, दूसरे कपड़े इसके अंदर डाल दिए, उनको भी धो लिया आपने, ठीक है ना, तो अब धो लेने के बाद क्या करना है, हमें इसे रिंस और ड्राई करना है। तो अब मैं इसको P6 फंक्शन लगा देती हूँ, जिसमें रिंस और ड्राई हो जाएगा ये। ठीक, तो मैं इसको प्रोग्राम बटन को फिर से दबाती हूँ, P2 आ गया, P3, P4, P5, P6, P6 से आ गया रिंस एंड ड्राई, देखो यहाँ पर भी रिंस एंड ड्राई शो हो गया। ठीक, अब वाटर रीयूज नहीं होना है, सिर्फ रिंस और ड्राई होना है, तो मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, इसने 15 मिनट दिखाया मुझे कि ये रिंस और ड्राई करने का 15 मिनट का टाइम लेगा। अब देखिए, सबसे पहले इसने इस पानी को निकालना शुरू कर दिया, जो पानी इसमें भरा हुआ था, मशीन इस पानी को पहले निकाल दी है, तभी तो वो दूसरा साफ पानी लेगी इसको रिंस करने के लिए। ठीक, आप देखो पानी निकल रहा है, अभी देखो इसका टाइम उतने का उतना ही है, क्योंकि पानी निकालने का टाइम काउंट नहीं कर रहा है। ठीक है, पहले पानी को निकालेगा, देखो आप ये पानी निकल रहा है यहाँ से, स्टार्ट हो गया, इसने सारा पानी निकाल दिया। अब कपड़ों को एक बार घुमाया, देखो मिनट हो गए यहाँ पे 14, ये देखो कपड़े एडजस्ट करें, पहले जो इन कपड़ों के अंदर पानी है उसको निकाल दिया, देखो अब ये सर्फ का पानी निकल रहा है ना, सारा सर्फ का पूरा इन्हें पानी निकाल दिया पहले कपड़ों में से, इधर आ गए 13 मिनट, और आप देखो यहाँ पे इसने वाटर लेवल दिखाया हाई, यानी अभी हाई लेवल तक पानी लेकर के तब रिंस करेगा। वॉश के लिए इसे हाई लेवल नहीं चाहिए था पानी का, लेकिन रिंस करने के लिए पानी इसको ज़्यादा चाहिए, हाई पानी चाहिए। तो अब ये अपने जो हमारा टब है उसको हाई तक भरेगा पानी से, यानी कि जो इसमें अब ये पानी भरना शुरू करेगा टब, वो इसको आधे से ज़्यादा फिल कर देगा, फिर ये रिंस शुरू करेगा।
देखो यहाँ 12 मिनट हो गया अब ये पानी लेना इसने शुरू कर दिया। ठीक है, अब आप देखना ये हाई तक पानी को भरेगा और उसके बाद रिंस करेगा और फिर ड्राई करेगा। बहुत अच्छा है इसका रिंस का फंक्शन, वर्लपूल का बहुत अच्छे कपड़े रिंस होते हैं। मतलब बिल्कुल भी आप उस कपड़े को अगर साफ पानी में धो करके देखोगे ना, तो उसमें आपको बिल्कुल भी सर्फ नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल साफ पानी निकलता है। तो बहुत अच्छी मशीन है ये, बढ़िया फंक्शंस है। बस हमें सही से फंक्शन पता होने चाहिए कि हमें किसको कब यूज़ करना है, क्योंकि बहुत से लोगों को फंक्शंस पूरे पता ही नहीं होते कि किस चीज़ का यूज़ कब करना है, कैसे करना है ना। तो सही से पहले सारे यूजेस ढंग से समझ लें फिर यूज़ कीजिए आप, बहुत टाइम बचता है। देखो हाई लेवल शो हो रहा है पानी का लेवल, देखो आप अभी तक 12 मिनट है इसमें, क्योंकि अभी तक इसने पानी पूरा नहीं भरा है, तो इसलिए टाइम भी चेंज नहीं किया है यहाँ पे। जब ये पूरा टब भर लेगा अपना पानी, क्योंकि भरने का टाइम नहीं लेना है इसने, शो नहीं करना, तो ये अभी पानी को भर रहा है इसमें, तो 12 ही मिनट है अभी तक। और फ्रेंड्स एक बात और कहूँगी मैं, जब भी आप वॉशिंग मशीन का यूज़ करें ना, तो बच्चों को दूर रखें मशीन से, क्योंकि एक तो बच्चे बटन बहुत दबाते हैं आ करके, और इसका ही इसका जो ढक्कन है इसे बार बार खोलते हैं बच्चे, बच्चों के लिए सेफ नहीं है। तो आप ना बच्चों को दूर रखिए जब भी आप कपड़े धोएं मशीन में, चाइल्ड लॉक भी इसमें है, लेकिन फिर भी आप इसको दूर रखें बच्चों से। तो हमारी जिन लेडीज़ को ये प्रॉब्लम रहती है कि भाई जो हमारा सर्फ का पानी है वो बार बार वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो हम क्या करें, तो वो इसका वाटर रीयूज़ का फंक्शन है, इसमें आप इस्तेमाल करें तो आपका पानी बार बार जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा। उसी सर्फ के पानी में आप कई बार कपड़े धो सकते हैं जब तक चाहें आप। तो देखिए फ्रेंड्स ये इसने रिंस कर चुका है ये, और अब ड्राई हो रहा है, 6 मिनट इसमें बचे हैं, मशीन ड्राई कर रही है कपड़ों को, और सिर्फ ड्राई पर ही हाईलाइट हो रहा है, 5 मिनट बचे हैं। तो इसी तरीके से इसका ये फंक्शन है वॉश रीयूज का, और वॉश रीयूज के बाद आप रिंस और ड्राई कैसे कर सकते हैं जो अंदर पानी बचा है उसको। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ, और तो आई होप आप सबको पसंद आएगा, और ये वाटर रीयूज वाली आपकी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाएगी। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि हमारा सर्फ बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, और हम जो है उसी पानी में हम दोबारा कपड़े धो सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग चाहते हैं कि उसी पानी में दोबारा कपड़े धोएं, तो आप वाटर रीयूज का इस्तेमाल करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और एक्वा स्टोर के फंक्शन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।